Hi guys, welcome back again. In this lecture we will see what is equivalence class. Consider a set A which having element A, B and C, and a relation R is defined on set A which having ordered pair A, B, C, B, and C, B. Okay, so the equivalence class of A under given relation is denoted by this A within a square bracket, and it is defined as set of all elements which are related to A. Okay, so in a given relation hum ye dekhna hai ki A se kaun kaun se element related hai. Okay, ye hum dekh rahe hai ki A se A related hai, hai na, और A से कोई नहीं रिलेटेड है, तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A क्या होगा, दिस सेट विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट. ओके, दैट इज A. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट B क्या होगा, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू B. हम चेक करते हैं इस रिलेशन में, जो हमारा रिलेशन गिवन है उसमें B के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B रिलेटेड है, फिर B से C रिलेटेड है, बस दैट्स ऑल. तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख लेंगे और विद इन कर्ली ब्रेस करके एक सेट बना लेंगे. तो हमारे ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B हो गया. ओके, नाउ कमिंग टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ C, देखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू C. अगेन हम चेक करते हैं C से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं. यहाँ पे C रिलेटेड है और B रिलेटेड है, तो हमारा जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ C होगा वो एक सेट होगा जिसके एलिमेंट होंगे C कमा B. इसको ऑर्डर को चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इसको लिख सकते हैं हम B कमा C. सो सेट C का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ये होगा, राइट. तो इस तरह से हम ईच एंड एवरी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, ठीक है. So by end of this we have finished this lecture, and if you like this please subscribe to our channel Number X and share to your friends. Also provide comments in the comment box and like as much as you can. Thanks for watching. Till then, goodbye.